तीन लिक्विडिटी, इसे बैंकियों में खास तौर से पास को सराहा करता है और जिसे बहुत आसानी से आप 1.5 से 2 मिनट में बना सकते हैं। एक बहुत ही यूनिक मेथड आपको हम देने जा रहे हैं। ऐसे तो रीजनिंग हो या मैथ हो, अगर सही आपका तरीका मिल जाता है तो बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा भी इसको बनाने का तरीका है। इसी के उद्देश्य से हम आपके सामने ये वीडियो हम फेसबुक के माध्यम से देने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इनक्वालिटी। यहां पे या इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में 5 तरह का साइन हुआ करता है। पहला साइन होता है ग्रेटर देन का, जिसका मतलब आपको समझना है कि यह एक वन वे डोर है जिसमें इस तरफ से तो हम प्रवेश कर सकते हैं लेकिन इस तरफ से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसी का एक एडवांस गेट होगा ग्रेटर देन इक्वल टू का, जिसका भी मतलब यही होगा कि इधर से हम प्रवेश करके उस साइड में चले जाएंगे लेकिन ये साइड से हम प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और तीसरा गेट होगा लेस देन का, जिसका भी मतलब ये होगा इधर ओपन है, मतलब इधर से प्रवेश कर इस साइड आ जाएंगे लेकिन इधर से हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसी का एक रूपांतरित गेट होगा लेस देन इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू, जिसका भी मतलब बिल्कुल यही होगा कि इधर से प्रवेश हम करेंगे तो इस साइड आ जाएंगे लेकिन इधर से प्रवेश हम नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक साइन होगा ये, जिसका मतलब बराबर का कहते हैं। इसमें ये मान लेना है कि कोई गेट है ही नहीं, तो स्वाभाविक है इधर से भी हम जा सकते हैं और इधर से भी हम जा सकते हैं। यही 5 तरह का गेट होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। चलिए ये साइन का तो ज्ञान हमें हो चुका है। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। यह प्रॉब्लम में एक स्टेटमेंट होता है और यह स्टेटमेंट अलग अलग भी हो सकता है, उसे हम एक साथ मिलाने वाला प्रक्रिया करके निर्णय नहीं करेंगे। जैसा स्टेटमेंट है वो सही आप छोड़ देंगे और इस पर जो कंक्लूजन है उसको अब जांच करेंगे। जांच करने का तरीका हम बता रहे हैं। पहला कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन सी, मतलब आपको समझना है कि ए से चलकर सी पर पहुंचना है। यदि ए से चलकर सी पर हम पहुंच गए तो मेरा यह स्टेटमेंट सही होगा। लेकिन एक ध्यान और रखना है इस गेट को भी, इस चिन्ह को भी। अगर ए से सी तक पहुंच जाए और ए से सी तक पहुंचने के दरमियान कम से कम एक स्थान पर ऐसा गेट मिलना ही चाहिए, तब यह स्टेटमेंट सही होगा। कम से कम एक स्थान पर यह गेट होना चाहिए, इसका मतलब यह होगा। चलिए चेक करते हैं ए से सी पर। स्टेटमेंट में ए यहां पे है और सी यहां पे है, आपका टारगेट है ए से सी पर पहुंचने का। देखते हैं पहुंचते हैं या नहीं। बिल्कुल ए से चलते हैं, गेट ओपन है, आराम से ए से चलकर बी पर हम पहुंच गए। अब बी पर पहुंच गए तो बी से सी पर जाना है, तो बी से चलते हैं, बिल्कुल गेट ओपन है, सी पर हम तो पहुंच गए। मतलब मेरा मिशन था ए से सी पर पहुंचना, हम पहुंच गए। लेकिन दूसरा ये भी चेक करना है चिन्ह को कि कम से कम यह गेट है तो कम से कम ए से सी के दरमियान जाने के दरमियान कम से कम एक जगह पर ऐसा गेट होना चाहिए। देखते हैं है या नहीं। ए से सी के दरमियान एक स्थान पर तो ऐसा गेट है, तो कम से कम एक स्थान पर होना चाहिए, एक स्थान पर है, अतः यह स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए पहला चेक हो गया। अब बताइए कि चेक करने में आपको कितना वक्त लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला स्टेटमेंट को चेक करते हैं। अगला कंक्लूजन मेरा है ए ग्रेटर देन डी, मतलब टारगेट है ए से डी पर जाने का। चलते हैं, स्टेटमेंट में ये यहां पे है और डी यहां पे है, ए से डी पर हमें जाना है। जब ए से डी पर जाना है तो ए से चले, गेट ओपन है, बी पर पहुंच गए, बी से चले, गेट ओपन है, सी पर पहुंच गए, सी से जो ही हम डी की ओर बढ़ते हैं यहां पे गेट क्या मिल गया, क्लोज। मतलब सी से हम डी पर नहीं जा पाएंगे, यहीं पे हम रुक जाएंगे। इसका मतलब यह स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, गलत होगा। चलिए मेरा दूसरा स्टेटमेंट भी चेक हो गया। अब हम बढ़ते हैं, दूसरा कंक्लूजन भी चेक हो गया, अब हम बढ़ते हैं तीसरा कंक्लूजन की ओर। तीसरा कंक्लूजन आपका है ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। बिल्कुल भी उसी ढंग से इसको भी चेक करेंगे
ए से सी तक जाना है, मेरा टारगेट है ए से सी तक जाना है। लेकिन एक बात का ध्यान देना है, यहां पे गेट कौन है, एडवांस इक्वल टू का, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू का। अतः यह गेट की खासियत है कि यह गेट पहुंचने के साथ साथ सभी जगह यही गेट होना चाहिए, सभी जगह यही गेट होना चाहिए, होना चाहिए, और इसमें कम से कम एक जगह। चलिए ए से सी पर चलते हैं, ए से सी पर चलते हैं, पहुंचते हैं या नहीं, ऐसे पहले भी चेक कर चुके थे, ए पर सी पर पहुंच गए थे, पुनः एक बार चेक कर लेते हैं। ए से बी पर बढ़ते हैं, गेट ओपन है, बी पर पहुंच जाएंगे, बी से चलते हैं, बिल्कुल गेट ओपन है, सी पर पहुंच जाएंगे, मतलब ए से सी पर हम पहुंच गए। दूसरा चेक करना है गेट को, यह गेट रहने पर हमें देखना होगा, है ना, एडवांस गेट चुकी है, अतः सभी स्थान पर यही गेट होना चाहिए। तो यहां पे ये गेट नहीं है, यहां पे है, सभी स्थान पर गेट है क्या, नहीं, यहां पे है, सॉरी, दोनों स्थान पर गेट यह हमें नहीं मिल रहा है, सभी स्थान पर गेट नहीं मिल रहा है, अतः यह कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चेक करते हैं चौथा स्टेटमेंट को। चौथा स्टेटमेंट बहुत सारे विद्यार्थी थोड़ा सा गलती कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत सारे इसको सी से ए की ओर जाकर चेक करेंगे, लेकिन नहीं, जिधर ये गेट ओपन है उधर से ही चलकर हमें सी पर जाना होगा, मतलब एफ की तरह गेट ओपन है तो एफ से ही चलना है, सी से चलकर एफ तक नहीं जाना है, मेरा टारगेट है एफ से चलकर सी तक जाना, एफ यहां पे है और सी यहां पे है, चलते हैं एफ से सी पर, बिल्कुल गेट ओपन है, ई पर पहुंच जाएंगे, यहां पे ये गेट है तो हम बोले थे कि यह गेट कोई होता ही नहीं है, ओपन है, यह गेट को हमको मानना ही नहीं है, तो क्या दिक्कत है, आराम से यहां पे आ जाएंगे, बी से बढ़ेंगे, बिल्कुल गेट ओपन है, सी पर पहुंच गए, मतलब एफ से सी पर पहुंच गए, अतः यह कंक्लूजन मेरा सही है। लेकिन बोले थे कि ऐसा गेट होगा तो कम से कम एक स्थान पर यह गेट होना चाहिए, तो एफ से सी तक जाने के दरमियान हमें दो स्थान पर ऐसा गेट मिला, तो और बढ़िया बात है, कम से कम एक स्थान पर होना चाहिए, तो यहाँ पे दो पर मिल रहा है, और बढ़िया बात है, मतलब यह भी स्टेटमेंट मेरा क्या है, सही है। मतलब ये बहुत ही आसानी से इसको देख सकते हैं, ऐसा आपको सारा टॉपिक में है, मैथ में भी बहुत सिंपल सिंपल है ना तरीका है, और एक ही मेथड से सारे मैथ को बनाया जा सकता है बहुत ही आसानी से। लेकिन हम लोग थोड़ा सा रास्ता भटकने की वजह से वही मैथ मेरे लिए पेचीदा हो जाता है, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके अगला स्टेप में भी हम चलते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन की